मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। आंधियां सदा चलती नहीं, मुश्किलें सदा रहती नहीं। आंधियां सदा चलती नहीं, मुश्किलें सदा रहती नहीं। मिलेगी तुझे मंजिल तेरी, बस तू जरा कोशिश तो कर, बस तू जरा कोशिश तो कर। अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने की कोशिश करते हुए आज एक बार फिर हमारे बीच आ चुके हैं जिला बिजनौर के 6 स्कूलों के 6 धुरंधर। नमस्कार दर्शकों, मैं गुलिस्ता गौहर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूं अपने नए टीवी क्विज शो जीनियस कौन में। ये है जिले का पहला टीवी क्विज शो जो आप तक पहुंचाया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ अभी तक चैनल के माध्यम से। जैसा कि हम देख रहे हैं कि आज एक बार फिर से जीनियस कौन के हमारे शो के तीसरे एपिसोड में जिला बिजनौर के 6 अलग अलग स्कूलों से 6 अलग अलग सुपीरियर्स, 6 अलग अलग इंटेलिजेंस आ चुके हैं हमारे बीच क्या करने के लिए, क्विज शो खेलने के लिए। वेरी नाइस, ये मौजूद है क्विज शो खेलने के लिए। लेकिन क्विज शो खेलने से पहले ये जानना बेहद जरूरी है कि हमारे क्विज शो के रूल्स और रेगुलेशंस क्या हैं। हमारे शो में होंगे कुल 24 टीवी एपिसोड्स। कितने एपिसोड्स? 24 टीवी एपिसोड्स। और इन 24 टीवी एपिसोड्स में आपको गुजरना होगा 5 पड़ावों से। कितने पड़ावों से? 5 पड़ावों से। जी हाँ, ये 5 पड़ाव होंगे नॉकआउट, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, प्री फिनाले एंड फिनाले। ठीक इसी तरह हमारा हर एपिसोड बचा होगा 3 सेगमेंट्स में। हर सेगमेंट में आपके सामने रखे जाएंगे 4 सवाल, यानी कि इस तरह एक एपिसोड में आपके सामने रखे जाएंगे कुल 12 सवाल। उन 12 सवालों के सही जवाब आपको पहचानने हैं। मान लीजिए कि किसी सवाल का सही जवाब आपको आता है, उस जवाब को पहचान कर आपको एक छोटा सा काम करना है। वो छोटा सा काम ये है कि आपको दबाना होगा बजर, और जैसे ही आप यहाँ ये बजर दबाएंगे हमारे पास पहुंच जाएगा नोटिफिकेशन यहाँ हमारी स्क्रीन पर, और इस नोटिफिकेशन को देखकर हम आपको देंगे मौका। जी हाँ, जिसका नोटिफिकेशन पहुंचेगा सबसे पहले हमारे पास, उसको हम देंगे सबसे पहले मौका अपना आंसर प्रेजेंट करने का। अगर आप देते हैं सही जवाब तो आपको मिलेंगे +10 points। लेकिन अगर आप देते हैं गलत जवाब तो आपके खाते से काट लिए जाएंगे -5 points। Is that clear? Are you ready to play the quiz? तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमारे 6 के 6 पार्टिसिपेंट्स हो चुके हैं मेंटली प्रिपेयर, फिजिकली भी वो हैं प्रेजेंट यहाँ पर खेलने के लिए हमारा क्विज शो जीनियस कौन। और जैसे कि आज के हमारे एपिसोड के चीफ गेस्ट हमारे बीच पधार चुके हैं, हमारे आज के शो के चीफ गेस्ट हैं मिसेज सुचि शर्मा, डायरेक्टर स्वास्थ्य गार्डन धामपुर। साथ में हमारे बीच मौजूद हैं मिस्टर अंकुर अग्रवाल, ये प्रमुख समाज सेवी हैं धामपुर से, और साथ में हैं डॉक्टर प्रियंका अग्रवाल, ये इनर व्हील क्लब धामपुर की प्रेसिडेंट हैं। तो हमारे चीफ गेस्ट के लिए जोरदार तालियां। और हमारे पार्टिसिपेंट्स हमारे बीच मौजूद हैं, खेलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हमारे चीफ गेस्ट भी हमारे बीच पहुंच चुके हैं, लेकिन यहाँ पर आपको करना होगा कुछ क्षणों का इंतजार, क्योंकि यहाँ पर मैं जाऊंगी एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक पर। आप कहीं जाइएगा मत, बने रहिए अभी तक के साथ, देखते रहिए जीनियस कौन। दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय दिशा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी धामपुर, अशोका होंडा धामपुर, RSMPG कॉलेज धामपुर, वीवो मोबाइल श्रीराम कम्युनिकेशन धामपुर, महिंद्रा तिरुपति व्हीकल्स प्राइवेट लिमिटेड बिजनौर, सौभाग्यवती बाईदानी महिला महाविद्यालय धामपुर, न्यू सैफी टेलीकॉम ओपो डिस्ट्रीब्यूटर धामपुर, आइडियल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी धामपुर। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। और अब वो वक्त आ चुका है, वो घड़ी आ चुकी है कि हम अपना क्विज शो शुरू करें। लेकिन क्विज शो को शुरू करने से पहले, सवाल जवाब सेशन शुरू करने से पहले, मैं अपने पार्टिसिपेंट से चाहूंगी कि वो हमें बताएं कि उनका नाम क्या है, कौन सी क्लास में वो पढ़ते हैं, कौन से स्कूल से और कौन सी जगह से वो आए हैं। जी, सीट नंबर 1। हेलो एवरीवन,
My name is Kishap Kumar. I am from Bindon. My school name is VSD Public School. I am studying in class 11. Now we come to seat number 2. Hello everyone. My name is Ritika Chauhan. I am from Haldor and my school name is Sailingham Senior Secondary School, Nehtor. I study in class 10. So 10th standard ke Ritika ke baad aata hai number seat number 3 ka. हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम विशांत कुमार है और मैं नजीबाबाद से हूँ। मेरे स्कूल का नाम निर्मला गोकुल सिंह यादव इंटर कॉलेज नजीबाबाद और मैं क्लास 11 ए में पढ़ता हूँ। अब आते हैं हम सीट नंबर 4 पर। मेरा नाम आफरीन मुश्ताक, माय स्कूल नेम एमक्यू गर्ल्स इंटर कॉलेज सहारा बिजनौर। मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ। अब हम आते हैं सीट नंबर 5 पर। हाय, माय नेम इज लविस त्यागी, आई एम फ्रॉम टांडा and my school name is Nirmal Public Senior Secondary School, Noorpur. I study in class 9. Lavish ke baad ab hum aate hain hamare last participant par, yani ki seat number 6 par. Hey, my name is Prachi Rajput. I am from Dhampur. I study in class 11 from Lala Kedarna Saraswati Balika Vidya Mandir Inter College, Dhampur. तो ये था हमारे पार्टिसिपेंट्स का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। सीट नंबर 1 पर हमें बताया गया था कि ऋषभ कुमार मौजूद हैं बिजनौर के वीएसडी स्कूल से। ऋषभ कुमार सीट नंबर 2 पर हमारे बीच है रितिका चौहान, ये नेहटौर के साई मिलेनियम स्कूल से हैं। सीट नंबर 3 पर हमारे बीच है विशांत कुमार जो निर्मल गोकुल सिंह यादव SVM नजीबाबाद से हैं। सीट नंबर 4 पर हमारे बीच मौजूद है बेहद खूबसूरत आफरीन मुश्ताक MQ गर्ल्स इंटर कॉलेज सिहारा से। और सीट नंबर 5 पर हमारे बीच हैं लविश त्यागी निर्मल पब्लिक स्कूल नूरपुर से। और हमारी आखिरी पार्टिसिपेंट्स धामपुर से ही हैं, इनका नाम है प्राची राजपूत, ये लाला केदारनाथ बालिका विद्या मंदिर से हैं। आप सभी का हमारे क्विज शो में बहुत बहुत वेलकम। और अब क्या आप तैयार हैं हमारे साथ खेलने के लिए? Yes. क्या मुझे सवाल जवाब सेशन शुरू करना चाहिए? Yes. तो अब मैं जा रही हूँ अपने पहले सवाल की तरफ, लेकिन पहला सवाल आप पढ़ें उससे पहले मैं आपको फिर से रिमाइंड करा देना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे सवाल का देते हैं सही जवाब तो आपको दिए जाएंगे कितने पॉइंट्स? प्लस 10 पॉइंट्स। और अगर आप देते हैं गलत जवाब तो आपके साथ क्या होने वाला है? जी, आपके खाते से डिडक्ट कर लिए जाएंगे -5 पॉइंट्स। इसी के साथ जब मैं अपना क्वेश्चन दोनों लैंग्वेजेस में पूरा कर लूं, यानी कि जब मैं अपना क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में पढ़ लूं और तब आपको कहूं कि योर टाइम स्टार्ट्स नाउ या फिर आपका टाइम शुरू होता है अब, उससे पहले आपको बजर नहीं दबाना है। जब आपको एक टाइम नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा उसके बाद ही आपको बजर दबाना है, इस बात का खास ख्याल रखा जाए। अगर आप ऐसा करते हैं तो पहली बार में हम आपको माफी दे देंगे, लेकिन अगर आप दूसरी बार ऐसी गलती करते हैं तो आपके खाते से निकाल लिए जाएंगे फिर से 5 नंबर। इज दैट क्लियर? यस। क्या आप तैयार हैं? यस। पूरी तरह? यस। डर लग रहा है? नो। बिल्कुल भी नहीं? नो। चलिए, बहुत अच्छी बात है, चलते हैं हमारे पहले सवाल की तरफ। हमारा पहला सवाल है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ RBI? जी हाँ, आपको बताना है कि RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर जा रहे हैं। ऑप्शन ए दिल्ली, बी मुंबई, सी पश्चिम बंगाल या फिर डी चंडीगढ़। आपका सवाल आपके सामने है और आपका टाइम शुरू होता है अब। हाँ, सीट नंबर 1 पर हमारे बीच है ऋषभ कुमार जिन्होंने सबसे पहले दबा दिया है बजर। ये बन गए हैं हमारे पहले पार्टिसिपेंट हमारे पहले सवाल का जवाब देने के लिए तैयार। तो जी ऋषभ, बताइए आपके अनुसार इस सवाल का जवाब क्या है? बी मुंबई। इट्स बी मुंबई। ऋषभ, क्या आप पूरी तरह से श्योर हैं कि ये मुंबई है? तो देखते हैं कि ऋषभ की किस्मत क्या गुल खिलाने जा रही है। क्या वो पहली ही बार में हासिल करने जा रहे हैं +10 पॉइंट्स या फिर उन्हें शिकार होना पड़ेगा नेगेटिव मार्किंग का? ऋषभ बहुत ही हाथ जोड़ते हुए, क्या ऋषभ यहाँ पर बैठकर भगवान से प्रेयर कर रहे हैं अपने लिए कि उनका आंसर सही हो? भगवान से प्रेयर कर रहे हैं, ओके, भगवान में बहुत ही ज्यादा विश्वास रखते हैं ऋषभ। चलिए, तो देखते हैं आपकी किस्मत आपका साथ देने जा रही है या नहीं। मैं आपको ज्यादा परेशान नहीं करूंगी और आपका आंसर है बी मुंबई। ऋषभ, आपने पहले ही बार में दिया है सही जवाब और आप जीत गए हैं +10 पॉइंट्स। ऋषभ, आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस।
ऋषभ बहुत ही ज्यादा खुश है, अभी हाथ जोड़ रहे थे, अभी हाथ मल रहे हैं, अभी जान भी दिखा रहे हैं थोड़े थोड़े। कैसा लग रहा है ऋषभ आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। कितने पॉइंट्स आपको मिल गए हैं? कौन सा सवाल था पहला सवाल था, इसके आगे कितने सवाल बचते हैं? तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी 11 सवालों पर खड़े उतरने जा रहे हैं। अच्छा ऋषभ, आप ये बताइए कि जो मुंबई आपका जवाब था, ये मुंबई जो शहर है ये किस लिए फेमस है? ये एक तो इसमें गेटवे ऑफ इंडिया है, एक तो इसमें गेटवे ऑफ इंडिया है, और ये इसे एक मॉडर्न सिटी के नाम से भी जाना जाता है, इसे एक मॉडर्न सिटी के नाम से जाना जाता है, और इसमें ताज होटल फेमस, इसमें ताज होटल फेमस है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज आप बोल रहे हैं ऋषभ, इसे मुंबई फिल्म सिटी भी कहा जाता है, फिल्म सिटी, बॉलीवुड नगरी मुंबई, यहाँ पर जो है हमारी फिल्मी दुनिया भारत की जो है पूरा बॉलीवुड मुंबई में है। चलिए हम आपसे पूछते हैं कि कौन सी मूवी बॉलीवुड, कौन सी बॉलीवुड मूवी आपको सबसे ज्यादा पसंद है? लगान। लगान, लगान के, लगान में किस एक्टर ने काम किया था? आमिर खान। आमिर खान, ओके। क्यों आपको लगान पसंद है? मूवी बहुत इंस्पायर करती है। इंस्पायर करती है, किस चीज के लिए इंस्पायर? देश के लिए करना चाहिए, देश के लिए करना चाहिए। ऋषभ को लगान मूवी इंस्पायर करती है कि हमें देश के लिए कुछ करना चाहिए। अच्छा ऋषभ, लगान में जो बात थी कि आमिर खान साहब जो थे उन्होंने क्रिकेट मैच जीत कर अपने देश को गौरवान्वित महसूस कराया था, अगर आपको ऐसा मौका मिले कभी देश के लिए, हमारे मुल्क के लिए कुछ करने का, तो आप क्या करना चाहते? मैं भी कुछ करना ही चाहूंगा देश के लिए। क्या करना चाहते? मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ वैसे तो जी, तो डॉक्टर बन के लोगों की सेवा ही करना पहला। ओके ऋषभ, डॉक्टर बनना चाहते हैं और वो डॉक्टर बनकर देश की सेवा करना चाहते हैं। ऋषभ आपकी बहुत ही बढ़िया सोच है, डॉक्टर बनिए आप, हम आपको शुभकामनाएं देते हैं, दुआ करते हैं आपके लिए, आप डॉक्टर बनिए, बहुत अच्छे काबिल डॉक्टर बनिए और देश की सेवा कीजिए। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। हमारे पहले सेगमेंट का दूसरा सवाल पहुँच रहा है आपकी टीवी स्क्रीन पर, और सवाल ये रहा, हमारा सवाल है Who is known as Mountain Man of India? जी आपको बताना है भारत के माउंटेन मैन के रूप में किसे जाना जाता है, यानी कौन वो शख्स हैं जिन्हें भारत का माउंटेन मैन कहा जाता है। आपके ऑप्शंस हैं ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी मुरारजी देसाई, सी नवाजुद्दीन सिद्दीकी एंड डी दशरथ मांझी। जैसे कि मैं देख रही हूँ कि सभी को इस सवाल का जवाब आता है क्योंकि सभी की उंगलियां पॉज हो चुकी हैं बजर पर, देखते हैं किसकी किस्मत, किसकी किस्मत का पिटारा खुलता है, किसकी नोटिफिकेशन हम तक सबसे पहले पहुंचती है। जी योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सिक्स, सीट नंबर सिक्स पर हमारे बीच मौजूद है प्राची राजपूत, इनका चेहरा पूरी तरह से खिल चुका है क्योंकि इनको जवाब आता है और ये तैयार हैं जवाब देने के लिए। जी प्राची, आंसर इज बी, दशरथ मांझी इज द माउंटेन मैन ऑफ इंडिया। दशरथ मांझी भारत के माउंटेन मैन है अकॉर्डिंग टू प्राची राजपूत। प्राची क्या आप पूरी तरह श्योर है कि इसका आंसर डी ही है? बिल्कुल पक्का? सोच लीजिए, अगर आपका जो जवाब है वो गलत होता है तो आपके खाते से निकाल दिए जाएंगे 5 अंक। तो मैं आपका फाइनल आंसर समझूं? yes. तो देखते हैं प्राची राजपूत का आंसर डी उनका कितना साथ देता है, देखते हैं कि भारत के माउंटेन मैन कौन है। एंड द आंसर इज डी, दशरथ मांझी। प्राची प्राची कैसा लग रहा है? कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आपकी फेवरेट स्वीट कौन सी है? रसगुल्ला। मेरी भी फेवरेट स्वीट ब्लैक रसगुल्ला है। आप कौन सा रसगुल्ला खाना पसंद करती हैं? व्हाइट रसगुल्ला आपको पसंद है। तो कितना मजा आ रहा है जब आप व्हाइट रसगुल्ला खाती हैं, तब ज्यादा मजा आता है या अब ज्यादा मजा आ रहा है? दोनों टाइम मजा आता है। ओके प्राची को इतना ही मजा आ रहा है जितना कि उन्हें व्हाइट रसगुल्ला खाते वक्त आता है। तो प्राची एक बार फिर से मैं आपको बधाई देना चाहती हूँ कि आपके खाते में आ चुके हैं +10 points। अच्छा प्राची, जैसे कि आपने बताया कि दशरथ मांझी माउंटेन मैन है, यहाँ पर ऑप्शंस में हमारे पास जो नाम थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, मुरारजी देसाई, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी दशरथ द माउंटेन मैन से किस कैसे जुड़े हुए? इन्होंने से पिक्चर बनाई थी दशरथ मांझी, एक पिक्चर आई थी तो उसमें ये दशरथ मांझी
का रोल किया था। ओके, एक बॉलीवुड फिल्म में जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं उन्होंने दशरथ मांझी का किरदार निभाया था। देखिए आपने फिल्म कैसी लगी? अच्छी लगी। अच्छा, बहुत अच्छी लगी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की और कौन सी फिल्में आपने देखी है? अच्छा, आप बिल्कुल स्टूडियस टाइप हैं, हर टाइम बुक्स में कुछ तो देखती होंगी, कोई सी मूवी तो देखी होगी। चलिए, नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी से हटके अगर बात करें तो वैसे तो फिल्में देखती होंगी। कौन सी थोड़ी बहुत कौन सी मूवी देखी है, कौन सी अभी तक सबसे ज्यादा पसंद आई है? बाहुबली टू में आपको सबसे ज्यादा अच्छा कौन सा सीन लगा? गलत क्या, देवसेना औरत पर हाथ डालने वाले की उंगलियां नहीं काटती, काटते हैं उसका गला, काटते हैं उसका गला। प्राची ने बहुत ही खूब डायलॉग यहाँ पर कहा है, अब हम इसी डायलॉग के साथ आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है आपकी टीवी स्क्रीन पर, और हमारा सवाल है विच इज द लॉन्गेस्ट रेलवे चैनल इन इंडिया। आपको बताना है कि भारत में सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है। आपके ऑप्शंस हैं ए पीर पंचाल, बी कारबुजी, सी नाटुवादी एंड डी रोहतांग। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जी, सीट नंबर 2 पर हमारे बीच हैं रितिका चौहान, ये नेहटों के साई मिलेनियम स्कूल से हैं। जी रितिका जी, बताइए आपके अनुसार इस सवाल का सही जवाब क्या होना चाहिए? रितिका बताइए हमें इस सवाल का सही जवाब क्या है? डी रोहतांग। डी रोहतांग। रितिका, क्या आपको लगता है कि इसका आंसर रोहतांग ही है? जी। सोच लीजिए रितिका, अगर आपका जवाब होता है गलत तो आपके खाते से डिडक्ट कर लिए जाएंगे -5 पॉइंट्स। इसलिए बड़ी ही समझदारी से, बड़ी ही सोच समझ कर जवाब दीजिएगा। डी रोहतांग। तो हम चलते हैं रितिका के आंसर के साथ और देखते हैं कि रोहतांग जो इन्होंने जवाब दिया है वो कितना सही है और कितना गलत। एंड द आंसर इज ए पीर पंचाल। रितिका आपका आंसर गलत और मुझे आपके काटने पड़ेंगे यहाँ पर -5 पॉइंट्स, यानी कि कोई पॉइंट हासिल करने से पहले ही आपके खाते से जा चुके हैं -5 पॉइंट्स। लेकिन कोई बात नहीं, निराश और परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये हमारा तीसरा सवाल था और अभी बहुत सारे मौके आपके पास हैं जिन्हें आपको करना है कैश और हासिल करने हैं, बटोरने हैं ज्यादा से ज्यादा नंबर। रितिका, आर यू ऑलराइट? यस। ओके, तो रितिका, खैर आपका जवाब जो था वो सही नहीं मिल पाया, गलत जवाब हमें मिला है। लेकिन आप बताइए कि यहाँ पर रेलवे सुरंग की बात हम कर रहे थे तो क्या आपको ट्रैवलिंग करना पसंद है? यस। आपको ट्रैवलिंग करना पसंद है। अच्छा, कौन सा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आपको सबसे ज्यादा पसंद है ट्रैवलिंग के लिहाज से? ट्रेन। ट्रेन ही आपको पसंद है। रेलवे टनल की बात ही हम यहाँ पर कर रहे थे तो ट्रेन से आप कहाँ कहाँ गई हैं, कहाँ कहाँ घूम चुकी हैं आप? हरिद्वार गाजियाबाद और रेड फोर्ट बाय मेट्रो। अच्छा, मेट्रो के द्वारा आप रेड फोर्ट गए थे। रेड फोर्ट कहाँ है? रेड फोर्ट इज इन न्यू दिल्ली। एक्चुअली रेड फोर्ट इज इन ओल्ड दिल्ली। जो रेड फोर्ट कहाँ है, रेड फोर्ट जो है वो चांदनी चौक में है और जो चांदनी चौक है वो ओल्ड दिल्ली का पार्ट माना जाता है। तो रेड फोर्ट आपको कैसा लगा? इट वॉज ब्यूटीफुल। क्या क्या देखा आपने वहाँ पर? इट वॉज लाइक अ फोर्ट एंड देयर वर सो मेनी मिनिएचर्स स्कल्पचर्स एंड इट वॉज इंस्पायरिंग ऑल्सो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट। ठीक है, और कितना बड़ा था रेड फोर्ट? एक दिन में पूरा घूम पाएंगी? यस। एक्चुअली मैं जब भी जाती हूँ रेड फोर्ट घूमने, कभी मैं एक दिन में पूरा रेड फोर्ट नहीं घूम पाती हूँ, थक जाती हूँ, इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। ओके, आपने एक दिन में पूरा रेड फोर्ट घूम लिया, बहुत अच्छी बात है। कैसे पत्थर का जो रेड फोर्ट है वो कैसे पत्थर का बना हुआ है? रेड मार्बल? नो, इट्स नॉट रेड मार्बल, इट इज रेड स्टोन। लाल कलर के पत्थर से जो है वो लाल किला बना हुआ है। किसने, दिल्ली का जो लाल किला है वो किसने बनवाया था? दिल्ली का लाल किला शाहजहां, मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। अच्छा, अगर मैं आपको मौका दूं कि आपको कोई टिकट नहीं लेनी पड़ेगी,
सारा जो पैकेज है वो हम देंगे, तो आप कहाँ घूमना पसंद करेंगे? पेरिस। तो रितिका चौहान जी बहुत ही चालाकी से उत्तर देती हुई, यानी कि अपने पेरेंट्स के साथ तो वो घूम कर आई हैं हरिद्वार, गाजियाबाद, दिल्ली, और जब पैकेज देने की बारी मेरी आई तो बोल रही है कि उन्हें पेरिस जाना है। चले कोई बात नहीं रितिका, हम तो दुआ करते हैं कि आपको पेरिस घूमने का मौका जल्द से जल्द मिले, बहुत अच्छी तरह से आप पेरिस घूमें और पैकेज के साथ ही घूमें। तो अब बढ़ते हैं हमारे इस सेगमेंट के आखिरी सवाल की तरफ, और हमारा सवाल जा रहा है आपकी स्क्रीन पर। सवाल है, इफ यू फ्रीज वाटर यू गेट। बहुत ही आसान सा सवाल मैं इसको मानती हूँ, आपके पास जा रहा है ये सवाल। आई रिपीट माय क्वेश्चन, अगर आप पानी को ठोस कर देते हैं, यानी कि अगर आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी को रख देते हैं तो आपको क्या मिलेगा? आप किसने ये गलती कर डाली, तालिका चौहान? एक बार फिर से, अब मैं क्या करूँ? रितिका चौहान जी बताइए, फिर से काट लूँ? अभी आप नेगेटिव मार्किंग का सामना करके आ रही हैं, फिर से मुझे आपके पास चाहिए, काट लेने चाहिए? नो मैम, दिस इज योर मिस्टेक, आपने सॉरी बोला है और आपकी पहली गलती है, इसलिए मैं माफी दे देती हूँ। लेकिन अगली बार अगर आप ऐसा करती हैं तो मैं बिना किसी नोटिफिकेशन के काट लूँगी आपके 5 मार्क्स। तो बड़ी ही सावधानी से, जल्दबाजी ना करें, हड़बड़ी ना करें, बहुत सारे मौके मिलेंगे आपको। अगर आप रिलैक्स होकर, चिल्ड होकर खेलेंगे तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे और मार्क्स पर मार्क्स हासिल करते जाएंगे। आई रिपीट माई क्वेश्चन, अगर आप पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रख देते हैं तो आपको क्या मिलेगा? आपके ऑप्शन है ए जल, बी बर्फ, सी वाष्पीकरण, या फिर डी गर्म पानी। आपका टाइम शुरू होता है अब। यस, सीट नंबर 6 पर प्राची, अगेन प्राची ने जीत चुकी हैं, वो पहले ही उनकी झोली में 10 अंक आ चुके थे और अब प्राची फिर से तैयार है सवाल का जवाब प्रस्तुत करने के लिए। जी प्राची, द आंसर इज बी, आइस। पक्का? पक्का? फिर से पूछ रही हूँ मैं आपको, बहुत मौके दे रही हूँ, आप अगर ये आंसर गलत निकल गया तो मुझसे शिकायत मत कीजिएगा। नहीं करेंगे शिकायत, पूरा कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर। ठीक है, तो आइए हम चेक करते हैं आपका आंसर, एंड द राइट आंसर इज बी, आइस। आपने जीत चुकी है +10 पॉइंट्स, और आपका टोटल स्कोर अभी तक का हो चुका है +20 पॉइंट्स। तो प्राची, बर्फ तो यहाँ हमें मिलेगी, अब आप हमें ये बताइए कि बर्फ, ये जो शब्द है आइस, इसको लेकर हम एक खेल भी खेलते हैं, स्कूल में खेलते हैं, कॉलेजेस में भी खेला जाता है, टूर्नामेंट्स में भी खेला जाता है, कौन सा खेल खेला जाता है? अच्छा, हो सकता है आप मुझसे अगली जनरेशन है, बहुत गैप है हमारे बीच में, तो हम लोग खेला करते थे तो मुझे लगा कि आप भी खेलती होंगी। बर्फ पानी। बर्फ पानी क्या होता है इस खेल में? हम बचपन में खेलते थे तो बर्फ पानी। जी, बर्फ पानी हम खेला करते थे, हम भी खेला करते थे जब हम स्कूल में थे। तो क्या होता है बर्फ पानी, कैसे खेला जाता है? बर्फ पानी में जो डैन होता है वो चेस करता है, जब अगर वो किसी को भी छूता है तो वो आइस, मतलब बर्फ में बर्फ बन जाता है, जब छूते हैं, जब डैन छूता है। और फिर जो दूसरे बच्चे होते हैं अगर वो ने दोबारा छूते हैं पानी कहते हैं, तो फिर वो वापस भागने लगता है। यानी कि अगर डैन किसी को छूता है तो शी हैज टू बी फ्रीज, उसको बर्फ बन जाना पड़ेगा, एकदम बर्फ की मूर्ति, और फिर से उसको हम छूके भागेंगे तो वो पानी की तरह लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा से खेल था ना, बहुत मजा आता है ना इसको खेलने में। तो बढ़ते हैं हमारे अगले यानी कि 5वें सवाल की तरफ, लेकिन मैं देख रही हूँ कि बच्चे बहुत डरे हुए से लग रहे हैं। लविश, आफरीन, हिशान, गिव सम रेस्पॉन्स। लविश, क्या क्या मतलब होता है लविश का, क्या मतलब है इसका बताइए? लविश का मतलब है खर्चीला। अच्छा, लविश का मतलब खर्चीला, ये कौन सी भाषा का शब्द है लविश? ये इंग्लिश भाषा का जो है शब्द है, खर्च करना है ना, फिजूल खर्च होना। लेकिन यहाँ तो आप अपनी एनर्जी बिल्कुल भी खर्च नहीं कर रहे, आप बहुत ज्यादा कंजूस की तरह बैठे कि नहीं मैं नहीं दूंगा जवाब, मैं नहीं दूंगा जवाब। आपके नाम का तो मतलब ये है, खर्च कीजिए, अपनी एनर्जी खर्च कीजिए, अपने जवाब प्रस्तुत कीजिए, करेंगे?
जी। तो हम आपको आप सभी को हम दे रहे हैं मौका। हमारा पांचवा सवाल है आपकी टीवी स्क्रीन पर, और सवाल है, सवाल बहुत ही मीठा मीठा मेरे पास आ गया है। What sweet food made by bees using nectar from flowers? जी, आपको बताना है फूलों से अमृत का उपयोग करके मधुमक्खियों द्वारा बनाया गया मीठा भोजन क्या है। आपके ऑप्शंस हैं ए हनी, अगेन सीट नंबर 4 आफ्रीन, क्या करूं आपका नंबर काटूं? नहीं काटूं, चलिए आपकी पहली गलती है, मैं माफ कर देती हूँ, लेकिन ऑप्शंस तो पूरे होने दीजिए, है ना। आई नो सबको आंसर आता है, लेकिन एक बार मैं ऑप्शन पूरे करूँ उसके बाद आप रिजल्ट बताइएगा। आई रिपीट माई क्वेश्चन, फूलों से अमृत का उपयोग करके मधुमक्खियों द्वारा बनाया गया मीठा भोजन क्या है। आपके ऑप्शंस हैं ए हनी, बी दूध, सी क्रीम, या फिर डी तेल। आपका टाइम शुरू होता है अब। सीट नंबर 4, यस आफ्रीन, बताइए आपने बजर दबाया है, आपका नोटिफिकेशन हमारे पास पहुंचा है, इस सवाल का सही जवाब क्या है? माय आंसर ए। योर आंसर इज ए। ए में क्या लिखा है? हनी। हनी को हिंदी में क्या कहते हैं? शहद। क्या आप श्योर हैं कि इसका आंसर हनी यानी कि शहद ही है? खाया है बचपन में शहद आपने? जी। कैसा लगता है शहद हनी, कड़वा या मीठा, खट्टा, कैसा? मीठा लगता है शहद। तो देखते हैं कि कितनी मिठाई आपको मिलने वाली है, आंसर चेक करते हैं, और सही आंसर है ए हनी। आफ्रीन, आफ्रीन सही है, पूरे के पूरे 10 नंबर, कांग्रेचुलेशंस आफ्रीन। कैसा लग रहा है आफ्रीन? बहुत अच्छा। बहुत देर से आप चुपचाप सहमी हुई बैठी थी, तो अभी बारी आ गई है आपसे बात करने की। तो हनी मीठा होता है, आपको मिठाई में क्या पसंद है? ब्लैक रसगुल्ला, मेरा भी फेवरेट, आपका भी फेवरेट। तो आप ही कब आप मुझे खिलाएंगे ब्लैक रसगुल्ला? आज खिला दोगे आप ब्लैक रसगुल्ला? अच्छा ठीक है, ओके आफ्रीन, आपको पसंद है ब्लैक रसगुल्ला, मुझे भी बहुत पसंद है ब्लैक रसगुल्ला। अभी आप मुझे ये बताइए कि आपका ये जो नाम है आफ्रीन, बहुत ही खूबसूरत प्यारा सा नाम है, क्या मतलब होता है आपके नाम का? खूबसूरत। बेशक आप बहुत खूबसूरत है, आफ्रीन जो ये लफ्ज है इसका मतलब होता है कि मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट गॉर्जियस एंड मोस्ट पावरफुल फूल ऑफ द हेवन, यानी कि जन्नत की जो सबसे ज्यादा खूबसूरत परी है, सबसे ज्यादा पावरफुल परी है, वो आफ्रीन कही जाती है। तो आफ्रीन जैसे कि खूबसूरत तो आप हैं ही, और आपको पावरफुल भी बनना है यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा अंक बटोर कर। जैसे कि आपने शुरुआत कर दी है, तो आगे भी ऐसे ही बढ़ते रहिएगा, सभी ऐसे बढ़ते रहिएगा। मैं बढ़ रही हूँ अपने अगले सवाल की तरफ, और हमारा अगला सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर ये रहा। आपको बताना है कि ये एक स्टेटमेंट मैं आपके सामने रख रही हूँ, आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत। स्टेटमेंट है द हॉर्स इज द फास्टेस्ट लेंथ एनिमल। जी हाँ, आपको बताना है घोड़ा भूमि का सबसे तेज जानवर है। आपके ऑप्शंस हैं ए गलत, बी सच, सी दोनों ए और बी, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। आपका टाइम शुरू होता है अब। यस, सीट नंबर 1 पर हमारे बीच है बीएसडी स्कूल से ऋषभ कुमार। जी ऋषभ कुमार, इसका आंसर है ए। का आंसर है ए झूठ, यानी कि घोड़ा जो है वो भूमि का सबसे तेज जानवर नहीं है। पक्का फाइनल आंसर? आप फिर से भगवान से दुआ करने बैठे हैं? हाँ चलकर चलिए कीजिए, आप दुआ कीजिए कि आपका जो आंसर है वो सही हो, और मैं चेक करती हूँ आपका आंसर कि आपका आंसर कितना सही है कितना गलत, या आपको मिलने जा रहे हैं प्लस पॉइंट या फिर आप जा रहे हैं माइनस पॉइंट के साथ। अगर ये सवाल, ये जो सवाल मैंने आपके सामने रखा है, अगर इसका जवाब सही है तो आपके खाते में आ जाएंगे प्लस 10 पॉइंट्स, और आपका टोटल स्कोर हो जाएगा प्लस 20 पॉइंट्स। लेकिन अगर आप देते हैं गलत जवाब, तो आपके पास कितने मार्क्स बचेंगे? 5, क्योंकि 5 आपके जो मार्क्स हैं वो मैं ले लूंगी। चलिए चेक करते हैं आंसर, एंड द आंसर इज ए फॉल्स। ऋषभ आप जीत चुके हैं एक बार फिर से प्लस 10 पॉइंट्स। ऋषभ के लिए एक बार जोरदार तालियां, बहुत ही अच्छा।
और ऋषभ खेल रहे हैं। इनके खाते में इनका टोटल जो स्कोर है वो हो चुका है +20 points। जी ऋषभ, तो आपने बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा जवाब दिया। घोड़ा सबसे तेज जानवर नहीं है भूमि का। आपको कौन सा पेट पसंद है? क्या आपके घर में आप पेट पालते हैं? नहीं, आपको नहीं पसंद? पसंद है लेकिन है। पसंद है। कौन सा पसंद है? डॉग। तो आपको डॉग पसंद है, कैट नहीं पसंद है? नहीं। क्यों? बस ऐसे ही आपको कैट नहीं पसंद, डॉग पसंद है। अच्छा, डॉग में क्या क्वालिटी होती है? वो बहुत वफादार होता है। वफादार होता है। आपने तो कभी पाला नहीं, तो आपको कैसे पता वफादार होता है? नहीं, पहले बचपन में था, अब नहीं है। अच्छा, बचपन में आपके घर में एक डॉगी हुआ करता था, क्या नाम था उसका? शेरू नाम था उसका। शेरू। अच्छा, तो शेरू जो था किस कलर का था? ब्लैक कलर का। ब्लैक कलर का था। आपको कोई उससे जुड़ी हुई बात आप बताना चाहेंगे? बचपन की तो भूल। अच्छा, बचपन की याद, चलिए भूल गए, कोई बात नहीं। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट के तीसरे सवाल की तरफ, यानी कि अब बढ़ते हैं हमारे एपिसोड के सातवें सवाल की तरफ। और हमारा सवाल आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। सवाल है, हाउ मेनी साइड्स डज अ ट्रायंगल हैव? आपको बताना है एक त्रिकोण या एक त्रिभुज की कितनी भुजाएं होती हैं? आपके ऑप्शंस हैं, ए 0 यानी कि उसकी कोई भुजा नहीं होती, बी 6, सी 2 या फिर डी 3। आप कर चुकी हैं फिर से वही गलती, और ये गलती माफी के काबिल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस बार आपने दोबारा वही गलती दोहराई है जल्दबाजी में। मुझे पता है गणित का बहुत ही आसान सा सवाल मैंने आपसे पूछा है, लेकिन यहाँ मुझे काटने पड़ेंगे आपके खाते से -5 points। अब आपका टोटल स्कोर हो जाता है 5 points। जैसे कि आफरीन बहुत ही जल्दबाजी में, बहुत ही हड़बड़ी में, बिना बात के, बिना वजह के गवाह बैठी हैं अपने 5 अंक, तो मैं कहना चाहूँगी अपने सभी पार्टिसिपेंट से कि ओवर एक्साइटेड ना हो, ओवर कॉन्फिडेंस ना हो, सबको आंसर्स पता है, तरीके से खेलिए, बहुत ही समझदारी के साथ खेलने की जरूरत है। यहाँ पर आपको, आई रिपीट माई क्वेश्चन, एक त्रिकोण या फिर एक त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? आपके ऑप्शंस हैं, ए 0, बी 6, सी 2 या फिर डी 3। आफरीन, एक बार फिर से आप दबा बैठी हैं बजर, यानी कि आपके खाते में ले देकर जो 5 नंबर बचे थे वो भी मुझे लेने पड़ेंगे। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, आप लोग मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं और अभी भी मेहनत कर रहे हैं, और मैं यहाँ पर आपके नंबर पर नंबर काटे जाऊँ, तो गलती को ज़रा सुधारिए। अभी आपने गलती की थी, बैक टू बैक आप दोहरा रही हैं अपनी गलतियाँ, ज़रा संभल। आई रिपीट माई क्वेश्चन, एक त्रिकोण या एक त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? आपके विकल्प हैं, ए 0, बी 6, सी 2 या फिर डी 3। और आपका टाइम शुरू होता है अब। सीट नंबर 6 पर हमारे बीच हैं प्राची राजपूत। जी प्राची, आपका एक बार फिर से नोटिफिकेशन, तीसरी बार आपका नोटिफिकेशन मेरे पास पहुंच चुका है, यानी कि तीसरी बार आप ले जाने वाली हैं +10 points, मैं ऐसा उम्मीद कर रही हूं। तो बताइए इस सवाल का सही जवाब आपके अनुसार क्या है? The answer is D3, यानी कि एक त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, 4 नहीं होती? No. 2 नहीं होती? तो प्राची बिल्कुल श्योर हैं, बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं इस बार भी कि एक त्रिभुज जो होता है, एक ट्रायंगल जो होता है, उसमें 3 भुजाएं होती हैं। देखते हैं कि प्राची को मिलती है हैट्रिक, यानी कि वो कमाने जा रही हैं +10 points, उनका टोटल स्कोर होने जा रहा है 30 points, या फिर उन्हें गंवाने पड़ेंगे कुछ अंक। तो देखते हैं, उत्तर चेक करते हैं, और सही उत्तर है D3। बहुत बहुत बधाई, आप लगातार नंबर बटोरे जा रही हैं, बहुत अच्छी तैयारी के साथ आप यहाँ पर आई हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए, आपको तो शुरुआत से बहुत अच्छा अच्छा फील हो रहा है ना? तो ये जो ट्रायंगल होता है, ये क्या होता है बताइए? एक्चुअली जरूरी नहीं है कि हमारे जो ऑडियंस है, क्या पता उनका मैथ्स में थोड़ा सा हाथ तंग हो, तो आप हमें बताइए कि त्रिभुज क्या होता है?
ट्राइंगल में तीन भुजाएं होती है, इसकी जो इसमें तीन एंगल होते हैं, तीनों एंगल्स का जो प्लस होता है वो 180 डिग्री होता है। बहुत अच्छा प्राची ने बताया कि तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति जो होती है वो त्रिभुज होती है, तीन एंगल होते हैं, तीन साइड्स होती हैं, इनके जो कोणों का योग होता है टोटल वो 180 डिग्री होता है। एक बात बताइए कि ये जो ट्राइंगल शेप है, ट्राइंगल शेप की एक बहुत ही फेमस नमकीन डिश जो बहुत ही मॉडेस्ट भी होती है, बहुत ही उसका प्राइस कम होता है, इजिली हमें स्कूल कैंटीन में अवेलेबल हो जाती है, उसका नाम क्या है? समोसा। समोसा पसंद है आपको समोसा? चलिए तो हम बढ़ते हैं हमारे इस सेगमेंट के आखिरी सवाल की तरफ, यानी कि इस एपिसोड के आठवें सवाल की तरफ। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज टीचर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। बहुत ही आसान सा सवाल, आपके स्कूल लाइफ से जुड़ा हुआ। टीचर्स डे यानी कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए 5 नवंबर, बी 5 अक्टूबर, सी 5 सितंबर या फिर डी 5 अगस्त। Your time starts. फिर से वही गलती किसने दोहराई है? लविश, सीट नंबर 5 पर हमारे बीच मौजूद हैं। लविश आप बोल नहीं रहे थे इतनी देर से, और टीचर्स डे के क्वेश्चन पे आप इतने ज्यादा एक्साइटेड हो गए कि आपने मेरे टाइम लिमिट देने से पहले ही बजर दबा दिया। आपकी पहली गलती है, पहली बार आपने बजर दबाया है, तो मैं माफ कर देती हूँ। खुश हैं? चलिए अब मैं आपको दोबारा मौका दे रही हूँ बजर दबाने का। आई रिपीट माई क्वेश्चन, टीचर्स डे यानी कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं 5 नवंबर, 5 अक्टूबर, 5 सितंबर या फिर 5 अगस्त। आपका वक्त शुरू होता है अब। सीट नंबर 3 पर हमारे बीच हैं हिशांत कुमार, नजीबाबाद के निर्मल गोकुल सिंह यादव SVM से हैं। जी हिशांत, हमें बताइए इस सवाल का सही जवाब क्या है? C 5 सितंबर को। C 5 सितंबर, मैं आपका फाइनल आंसर 5 सितंबर को ही समझूं? जी। ठीक है, तो हम चलते हैं हिशांत के उत्तर के साथ, देखते हैं कि पहली बार उन्होंने बजर दबाया है, पहली बार वो अपना आंसर प्रेजेंट कर रहे हैं, तो क्या पहली बार में उन्हें मिलने जा रहे हैं +10 points या फिर वो गंवाने जा रहे हैं अपने कुछ मार्क्स? तो चेक करते हैं आंसर, एंड द आंसर इज सी 5 सितंबर। हिशांत पहली बार वो जीत गए हैं +10 points। आपकी पोली हो चुकी है, आपका खाता जो है वो अब खाली नहीं है। बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से, बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से आपको। तो हिशांत, ये टीचर्स डे से जुड़ा हुआ सवाल हमारे पास आया था जी। आपके फेवरेट टीचर आपके स्कूल में, जैसे कि आपने बताया कि आप नजीबाबाद के SVM से हैं, तो वहाँ पर आपके फेवरेट टीचर कौन है? मेरे फेवरेट टीचर सभी हैं, सभी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और मैं सभी को बहुत अच्छा लगता हूँ। शांत, आपने कहा कि आपको सारे टीचर्स पसंद है और सारे टीचर्स को आप पसंद है, लेकिन मुझे तो लग रहा है कि आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि टीवी स्क्रीन पर यानी कि इस टाइम घर बैठकर आपके सभी टीचर्स आपको देख रहे हैं, तो आप सभी टीचर्स को बटरिंग करने के चक्कर में हैं कि सारे टीचर्स को एक साथ खुश कर दूं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बट मोस्ट अगर बात की जाए तो मोस्ट फेवरेट टीचर है मेरे मैथ के पंकज शर्मा। पंकज शर्मा, मिस्टर पंकज शर्मा इनके फेवरेट टीचर हैं जो इन्हें मैथ्स पढ़ाते हैं। तो आप पंकज शर्मा सर के लिए कोई यहाँ से टीवी स्क्रीन पर उनके लिए कोई मैसेज छोड़ना चाहते हैं? मैं उनसे बताना चाहता हूँ कि मैं उनसे बहुत इंस्पायर हूँ, वो बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं और समझाते हैं, जिससे कोई भी बच्चा उन पर कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं कह सकता उन्हें कि वो एक टीचर होने के लायक नहीं है, वो बहुत अच्छे हैं और मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। मैथ्स टीचर पंकज शर्मा सर से, और जैसे कि उन्होंने कहा कि वो अपने सभी टीचर से बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार उन्हें करते हैं और बहुत ही सम्मान करते हैं। पंकज शर्मा जो सर हैं, उनकी एबिलिटी पर शांत ने यहाँ कॉम्प्लीमेंट दिया है कि वो बहुत ही काबिल टीचर हैं। तो पंकज शर्मा सर हमारा शो देख रहे होंगे मैं उम्मीद करती हूँ, और बहुत खुश होंगे कि उनका बच्चा, उनका पढ़ाया हुआ बच्चा यहाँ तक पहुँचा है। और पंकज शर्मा सर क्यों, जितने भी बच्चे आज यहाँ तक पहुँचे हैं, हमारे बीच बैठे हैं, इन सभी के पेरेंट्स, इन सभी के टीचर्स जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, सब बहुत खुश होंगे। तो आपने अपने बच्चों को इस काबिल बनाया, यहाँ तक भेजा, तो एक बार मैं आप सबके लिए तालियां बजाना चाहती हूँ, सभी बच्चों के टीचर्स और पेरेंट्स के लिए जोरदार तालियां।
और जैसा कि हमने देखा कि हम सवालों की गेंद देते जा रहे हैं और हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स मजे हुए बैट्समैन की तरह चौके छक्कों से जवाब दे रहे हैं और अंक पर अंक बटोरते जा रहे हैं। अब बारी आ चुकी है अभी तक का स्कोर बताने की कि हमारे सभी ऑडियंस ये जान लें कि हमारे पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से पायदान पर पहुंच चुके हैं। लेकिन उसके लिए आपको करना होगा थोड़ा सा इंतजार, क्योंकि यहां जा रही हूं मैं एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक पर। आप कहीं जाइएगा मत, बने रहिए अभी तक के साथ, देखते रहिए, खेलते रहिए जीनियस कॉन। Disha Institute is one of the leading institute in district Bijnor, known for its quality education and discipline. We have been following a proactive approach to education, which is based on most effective learning techniques through revolutionary interactive smart classes. All departments have various labs wherein students involve themselves in diverse fields of science, technology and innovation. Disha Institute's library offers an extensive range of resources and services to support teaching and learning. Our auditorium serves as a space of encouraging creativity and fostering communication, a fantastic location of the college. Our flawless transportation has been continuously providing best-in-class facilities for the students. शाइन ऐसी जो सुबह की पहली किरण को भी पीछे छोड़ जाए, जब शाइन हो सुपर तो कॉलर ऊपर, शाइन ऐसी जो दूर तक जाए, आराम से रिश्ता निभाए, जब शाइन हो सुपर तो कॉलर ऊपर। इस त्योहार घर ले आओ इंडिया की फेवरेट 125 सीसी होंडा सिविक शाइन। क्या शाइन है। मल्टी ब्रांड प्री ऑन सर्टिफाइड कार कंपनी आपके बिजनौर में भी। महिंद्रा की दमदार माइलेज से भरपूर और आकर्षक गाड़ियों की खरीद और जानकारी के लिए संपर्क करें तिरुपति ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड, मुरादाबाद नूरपुर रोड, बिजनौर। हमारे यहाँ सेल्स सर्विस और स्पेयर पार्ट्स की भी सुविधा है। अपने पसंदीदा महिंद्रा वाहन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा फोन नंबर है 01342-250-821-251-621-250-8-9837-124-111। You're appointed. Thank you. Tally Institute of Learning. Job ready within 3 months. Achieve your dreams. खबरें देखने और अपने जिले से जुड़े रहने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए YouTube पर लॉगिन करिए, अभी तक चैनल को सर्च कर सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए अपने जिले की खबरों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले हमने देखा था कि हमारे
दो सेगमेंट्स पूरे हो चुके थे, हमारे 8 सवाल हमारे सामने आ चुके थे, जवाब भी हमारे सामने आ चुके थे। तो अब हम डालते हैं एक नजर अभी तक के स्कोर पर, देखते हैं कौन पहुंचा है सबसे ऊपर और कौन रह गया है पीछे। सीट नंबर 4 का अभी तक का स्कोर है 0 पॉइंट्स, सीट नंबर 5 का अभी तक का स्कोर है 0 पॉइंट्स, सीट नंबर 2 चल रही है माइनस मार्किंग में, यानी कि इनका स्कोर है -5 पॉइंट्स, सीट नंबर 3 का अभी तक का स्कोर है +10 पॉइंट्स, सीट नंबर 1 का स्कोर अभी तक का है +20 पॉइंट्स, और सीट नंबर 6 पर हमारे बीच सबसे ज्यादा फास्ट, सबसे ज्यादा तेजी से दौड़ी चली जा रही हैं, सबसे ज्यादा अंक अपनी झोली में बटोर कर अभी तक वो चल रही हैं सबसे आगे, और उनका टोटल स्कोर है +30 पॉइंट्स। ये था अभी तक का स्कोर का हाल। तो अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे सेगमेंट यानी कि हमारे आखिरी सेगमेंट के पहले सवाल की तरफ। व्हाट आर जॉन अब्राहम एंड अक्षय कुमार प्रोफेशन इन गरम मसाला। बॉलीवुड से जुड़ा हुआ एक और सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर पहुंच चुका है। आपको बताना है गरम मसाला फिल्म में जॉन अब्राहम और अक्षय कुमार के व्यवसाय क्या हैं। आपके ऑप्शंस हैं ए रिपोर्टर, बी फोटोग्राफर, सी प्रोफेसर या फिर डी वकील। आपका टाइम शुरू होता है अब। जी सीट नंबर 3 विशांत कुमार, आपने बजर दबा दिया है, आपका नोटिफिकेशन भी मेरे पास पहुंच गया है। विशांत, मूवीज देखने का आप शौक रखते हैं? थोड़ा। अच्छा, आपके फेवरेट जो एक्टर हैं वो कौन है? आमिर खान आपके फेवरेट एक्टर हैं, ठीक है। तो आप हमें बताइए कि बॉलीवुड फिल्म गरम मसाला में अक्षय कुमार और जॉन अब्राहम ने कौन से पेशे को निभाया है? फोटोग्राफर, बी। बी फोटोग्राफर। आपने देखी है गरम मसाला मूवी? जी आपने देखी है, और आप बिल्कुल पूरी तरह से श्योर हैं कि वो फोटोग्राफर्स का रोल ही प्ले कर रहे हैं? जी। तो देखते हैं कि विशांत जो हमारे बीच +10 पॉइंट्स पर हैं, उनका अगला स्कोर क्या होने जा रहा है। चेक करते हैं आंसर, और हमारा सही जवाब है बी फोटोग्राफर। विशांत एक बार फिर से आपकी झोली में आ गए हैं +10 पॉइंट्स, और आपका टोटल स्कोर हो चुका है कितना? +20 पॉइंट्स। वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ने से पहले मैं हिशांत से ही पूछना चाहूंगी कि जैसे कि अक्षय कुमार और जॉन अब्राहम तो यहाँ पर फोटोग्राफर्स थे, आप क्या बनना चाहते हैं अपनी लाइफ में? रेसलर। वेरी गुड, एक स्पोर्टी पर्सन हमें मिला है रेसलर। जैसे कि आपने कहा कि आप रेसलिंग करना चाहते हैं, आपको आमिर खान पसंद है, तो आपने दंगल मूवी तो जरूर देखी होगी फिर? जी। ठीक है, तो रेसलर बनकर आप क्या करना चाहते हैं, मतलब देश के लिए कहां तक, कौन से लेवल तक आप खेलना चाहते हैं? देश के लिए मैं अपने देश को रिप्रेजेंट करना चाहता हूं WWE में। आप अपने देश को WWE में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, विशांत के लिए जोरदार तालियां। मेरी तो पूरी दुआ, पूरी शुभकामना आपके साथ है कि आप रेसलर बने और हमारे देश को, हमारे भारत को रिप्रेजेंट करें और हिंदुस्तान का नाम बहुत ऊंचा करें। हमारा अगला सवाल है Which longitudes determines the Indian Standard Time? ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ एक सवाल आपके पास आ पहुंचा है। आपको बताना है कौन सा रेखांकन भारतीय मानक समय को निर्धारित करता है। आपके ऑप्शंस हैं ए 72.5 डिग्री, बी 62.5 डिग्री, सी 82.5 डिग्री या फिर डी 92.5 डिग्री। सीट नंबर 6 का नोटिफिकेशन मेरे पास आया है प्राची राजपूत, आप दबा बैठी हैं बजर मेरे बिना किसी नोटिफिकेशन के लिए। आपकी पहली गलती है इसलिए फील रिलैक्स, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, आपने पहली बार ये गलती की है इसलिए मैं आपको छोड़ रही हूँ। लेकिन अगर अगली बार आप ये गलती करती हैं तो आपके जो आपका स्कोर अभी तक बहुत अच्छा चल रहा है वहां से बेवजह काट लिए जाएंगे नंबर, तो बड़ा संभल कर खेलने की आपको जरूरत है। बहुत ही अच्छा हमारे सब बच्चे खेल रहे हैं। आई रिपीट माई क्वेश्चन, कौन सा रेखांकन भारतीय मानक समय को निर्धारित करता है। आपके ऑप्शंस हैं ए 72.5 डिग्री, बी 62.5 डिग्री, सी 82.5 डिग्री या फिर डी 92.5 डिग्री। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
यस सीट नंबर वन पर ऋषभ कुमार जी। ऋषभ जी आप बिजनौर से आए हैं, बताइए हमें इस सवाल का सही जवाब क्या है। जी ऋषभ आपके अनुसार इस सवाल का सही उत्तर क्या हो सकता है? C 82.5 डिग्री। ऋषभ एक बार फिर से आप हाथ मलते हुए रिलैक्स बैठ जाइए, अब तो आपके खाते में 20 अंक हैं पूरे पूरे, आपको डरने की जरूरत नहीं है। जी ऋषभ आपने दबाया था बजर, आपका नोटिफिकेशन पहुंचा था मेरे पास और आपने जवाब दिया था C 82.5। तो अब देखते हैं कि आपके खाते में आपको मिलने जा रहे हैं 10 और नंबर या फिर कटने जा रहे हैं 5 नंबर, तो हमें आंसर चेक करना चाहिए। चले बढ़े, नर्वस फील कर रहे हो? कर रहे हो, कोई बात नहीं, नर्वस फील मत कीजिए, भगवान से दुआ कीजिए, आप तो सुबह से भगवान से दुआ कर रहे हैं, एक बार और कर लीजिए और देखते हैं आपका जवाब कितना सही है और कितना गलत। और सही जवाब है फिर से आप जीत गए हैं प्लस 10 पॉइंट्स और आपका टोटल स्कोर हो चुका है प्राची जी के बराबर हो चुका है, आपका जो स्कोर है बिल्कुल प्राची के बराबर आप पहुंच गए हैं। आपका भी टोटल स्कोर हो चुका है प्लस 30 पॉइंट्स और प्राची का भी टोटल स्कोर चल रहा है प्लस 30 पॉइंट्स। तो बराबरी की टक्कर आप दे रहे हैं हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स, प्लीज बी फ्रैंक, आप खुलिए थोड़ा सा, शामिल होइए हमारे खेल में। तो ऋषभ आपको कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, चलिए अच्छा ही आपको लगना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ, हम बढ़ रहे हैं हमारे अगले सवाल की तरफ, हमारे तीसरे सेगमेंट का तीसरा सवाल। हमारा अगला सवाल, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉचिंग ऑन योर टीवी स्क्रीन्स एंड द क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज यूज्ड इन पेंसिल्स। नर्सरी से आप जो चीज यूज कर रहे हैं पेंसिल, बहुत ही बेसिक सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है। आई रिपीट माई क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पेंसिल में उपयोग किया जाता है? जी हाँ आपको बताना है कि पेंसिल का जो निब होता है उसमें कौन से पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है। आपके विकल्प है ए ग्रेफाइट, बी सिलिकॉन, सी चारकोल या फिर डी फॉस्फोरस। आपका टाइम शुरू होता है अब। यस सीट नंबर 6 प्राची राजपूत एक बार फिर से तैयार हैं सही जवाब देने के लिए। जी प्राची आपने दबाया है बजर, नोटिफिकेशन आया है मेरे पास, आप लगता है कि अभी तक आपकी जैसी परफॉर्मेंस है, आप बहुत ही स्टूडियस हैं, एकदम किताबों से प्रेम करने वाली, आपको किताबें पढ़ना पसंद है? Yes. तो किताबें तो पढ़िए लेकिन साथ में थोड़ा मुस्कुराइए भी, तो हंसना तो जीवन का सार है ना, खुश रहना है ना, तो एक बार अच्छे से स्माइल हमें करके दिखाइए। ठीक है अब हमें बताइए इस सवाल का सही जवाब क्या है। The answer is a graphite. Answer is a graphite. क्या मुझे ग्रेफाइट के साथ ही जाना चाहिए? Yeah. आपको पक्का पता है कि जो कच्ची पेंसिल पक्की पेंसिल में यूज होता है पदार्थ वो ग्रेफाइट है। ठीक है तो अब हम बढ़ते हैं आपके जवाब के साथ, देखते हैं आपका जवाब आपका कितना साथ देने जा रहा है। और सही जवाब है ए ग्रेफाइट। आपका टोटल स्कोर हो चुका है प्लस 40 पॉइंट्स, कांग्रेचुलेशंस, वेरी वेरी कांग्रेचुलेशंस। जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स बहुत ही बढ़िया बहुत ही शानदार प्रदर्शन करते हुए अंक पे अंक बटोरते हुए जो मुकाबला है वो टक्कर का है। अभी भी हमारे एक पार्टिसिपेंट का स्कोर है प्लस 40 पॉइंट्स, दूसरे जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनका स्कोर है प्लस 30 पॉइंट्स और बाकी जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो भी धीरे धीरे कोशिश करते हुए अब हम बढ़ रहे हैं हमारे इस एपिसोड के आखिरी सवाल की तरफ, हमारे तीसरे सेगमेंट के आखिरी सवाल की तरफ यानी 12वें प्रश्न की तरफ। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज व्हिच रिवर फ्लोस थ्रू लंदन। जी हाँ आपको बताना है कि लंदन में कौन सी नदी बहती है। आपके ऑप्शंस हैं ए रियो ग्रांडे, बी टेम्स, सी मिसौरी या फिर डी गंगा। आपका टाइम शुरू होता है अब। यस सीट नंबर 2 पर हमारे बीच हैं रितिका चौहान। रितिका जी रितिका आपने दबाया है बजर, आपका नोटिफिकेशन आया है मेरे पास, बताइए कि लंदन में कौन सी नदी बहती है। बी थेम्स। क्या आपको पक्का पता है कि इसका आंसर थेम्स ही है? ठीक है बढ़ते हैं आपके जवाब के साथ। अच्छा रितिका क्या आपको पता है कि आपके नाम का मतलब क्या होता है? रिवर। रिवर
और हम आपसे सवाल भी पूछ रहे हैं रिवर का, यानी आपके नाम का मतलब है फ्लो। और हमने आपसे अपना क्वेश्चन किया है कि फ्लो से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका जो जवाब है वो सही होगा। ये देखते हैं कि आपका जो जवाब है वो कितना सही है और कितना गलत। लेट्स चेक द आंसर एंड द आंसर इज बी द टीम। आपको मिल चुके हैं पूरे पूरे प्लस 10 पॉइंट्स। कांग्रेचुलेशंस वेरी मच। और रितिका, जैसे कि आपने शानदार रिकवरी की है, आपके खाते में अभी तक थे -5 पॉइंट्स, और अब इस सवाल का सही जवाब देने के साथ ही आपकी झोली में आ चुके हैं पूरे पूरे 5 पॉइंट्स। और जैसे कि रितिका ने अभी हमें बिल्कुल सही जवाब बताया है कि जो नदी है द थेम्स वो लंदन से होकर गुजरती है। जैसे कि आप हमारे साथ बने हुए हैं लगातार, हमारे दर्शक हमसे जुड़े हुए हैं और वो देख रहे हैं कि अब हमने पूरे कर लिए हैं अपने तीनों सेगमेंट्स, यानी कि हमने देख लिए हैं अपने सारे 12 के 12 सवाल और 12 के 12 जवाब। तो अब बारी आ चुकी है कि हम जाने कि कौन वो दो लकी ब्रिलियंस इंटेलिजेंस और लकी वंस हैं जो हमारे इस राउंड को क्वालिफाई कर पहुंच गए हैं हमारे अगले राउंड यानी कि क्वार्टर फाइनल्स में। तो बारी आ चुकी है हमारे अभी तक के स्कोर को पॉइंट करने का, जानने का कि किसके खाते में गिरे हैं कितने अंक। लेकिन मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूंगी कि एक बार फिर से मैं आपको यहाँ इंतजार करवाने वाली हूँ। पॉइंट्स जानने के लिए आपको जाना पड़ेगा, आपको लेना पड़ेगा थोड़ा सा रेस्ट, क्योंकि मैं जा रही हूँ एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक पर। आप कहीं जाइएगा मत, बने रहिए अभी तक के साथ, देखते रहिए जीनियस का। Disha Institute is one of the leading institute in District Bishnoor, known for its quality education and discipline. We have been following a proactive approach to education, which is based on most effective learning techniques through revolutionary interactive smart classes. All departments have various labs wherein students involve themselves in diverse fields of science, technology and innovation. Disha Institute's library offers an extensive range of resources and services to support teaching and learning. Our auditorium serves as a space of encouraging creativity and fostering communication, a fantastic location of the college. Our flawless transportation has been continuously providing best-in-class facilities for the students. We have the same DNA. We have the same blood running in us. I sound a bit like you. I look a lot like you. We have the same attitude. I am relentless as you. I move like you. I am built like you. I am the CB Hornet 160R. I am built after you. मल्टी ब्रांड प्री ऑन सर्टिफाइड कार कंपनी आपके बिजनौर में भी। महिंद्रा की दमदार माइलेज से भरपूर और आकर्षक गाड़ियों की खरीद और जानकारी के लिए संपर्क करें तिरुपति ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड, मुरादाबाद नूरपुर रोड, बिजनौर। हमारे यहाँ सेल्स सर्विस और स्पेयर पार्ट्स की भी सुविधा है। अपने पसंदीदा महिंद्रा वाहन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा फोन नंबर है 01342-250-821-251-621-250-8993-712-411। You're appointed. Thank you. Tally Institute of Learning. Job ready within 3 months. Achieve your dreams.
अभी तक चैनल कभी भी कहीं भी। देश विदेश में बिजनौर की खबरें देखने और अपने जिले से जुड़े रहने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए YouTube पर लॉगिन करिए, अभी तक चैनल को सर्च कर सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए अपने जिले की खबरों के साथ। दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय दिशा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी धामपुर, अशोका होंडा धामपुर, RSMPG कॉलेज धामपुर, वीवो मोबाइल श्रीराम कम्युनिकेशन धामपुर, महिंद्रा तिरुपति व्हीकल्स प्राइवेट लिमिटेड बिजनौर, सौभाग्यवती बाईदानी महिला महाविद्यालय धामपुर, न्यू सैफी टेलीकॉम ओपो डिस्ट्रीब्यूटर धामपुर, आइडियल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी धामपुर। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। और जैसे कि ब्रेक पर जाने से पहले हमने देखा था कि हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स खेल चुके थे हमारा पूरा टीवी क्विज शो। जी हाँ, हमने ले लिए थे अपने सारे सवाल, पूरे कर लिए थे अपने सारे सेगमेंट्स और सारे सवालों के सारे सही जवाब हमारे पास आ गए थे। और अब बारी है एक बार नजर डालने की हमारे फाइनल स्कोर्स पर। तो फाइनल स्कोर पर हमारे बीच सीट नंबर 4 पर मौजूद है आफरीन जी। आफरीन का अभी तक का टोटल स्कोर है 0 points। सीट नंबर 5 पर हमारे बीच मौजूद है लविश। लविश ने भी बहुत अच्छा प्रयास किया लेकिन इनका जो स्कोर है वो भी सिमटा रह चुका है 0 points पर। सीट नंबर 2 पर हमारे बीच है रितिका चौहान। काफी अच्छा परफॉर्मेंस इन्होंने किया, काफी अच्छा इन्होंने खेला, बहुत अच्छी कोशिश की और इनके खाते में है +5 points। उसके बाद सीट नंबर 3 पर हमारे बीच मौजूद है हिशांत। हिशांत का अभी तक का टोटल स्कोर है +20 points। इन्होंने भी बहुत ही बेहतरीन और शानदार प्रदर्शन किया। और अब बारी आती है हमारे टॉप स्कोरर्स की जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया है हमारा ये राउंड और पहुंच गए हैं क्वार्टर फाइनल में। जी हाँ, सीट नंबर 1 पर हमारे बीच मौजूद है ऋषभ। ऋषभ ने हासिल किए हैं अभी तक +30 points। और सीट नंबर 6 पर हमारी जो आज की लास्ट पार्टिसिपेंट थी प्राची राजपूत, उन्होंने तो अपने ज्ञान के जौहर दिखा दिए, मानना पड़ेगा प्राची जी, बहुत ही अच्छा बचा हुआ प्रदर्शन आपका और आपके खाते में है +40 points। और इसी के साथ हमारे दो टॉप स्कोरर्स ऋषभ और प्राची पहुंच गए हैं हमारे अगले पड़ाव यानी कि क्वार्टर फाइनल में। और हमारे जो 4 पार्टिसिपेंट हैं जिनका स्कोर थोड़ा सा कम रह गया है उन्हें आज यहाँ से लेनी पड़ेगी विदा। जीनियस कौन के इस शो से वो जा रहे हैं अपने घर वापस। तो मैं अब अपने चीफ गेस्ट से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आए और हमारे बच्चों को सर्टिफिकेट प्रदान करें। एंड नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट अवर टुडेज चीफ गेस्ट श्रीमती शुचि शर्मा, डायरेक्टर स्वास्थ्य गार्डन धामपुर, टू प्लीज कम एंड सर्टिफाई अवर पार्टिसिपेंट्स। मैम प्लीज। सीट नंबर 2 पर मौजूद रितिका चौहान को। रितिका चौहान आए और अपना सर्टिफिकेट प्राप्त करें। जैसे कि रितिका चौहान हमारे बीच मौजूद है, रितिका चौहान के लिए एक बार जोरदार तालियां। और अब मैं बुला रही हूँ सीट नंबर 3 पर मौजूद हमारे पार्टिसिपेंट हिशांत को। हिशांत प्लीज आए, कुछ मेमोरी हमारे यहाँ से लेकर जाए। हिशांत आए और अपना सर्टिफिकेट ले। हिशांत के लिए जोरदार तालियां। Now I would like to request our chief guest to please take your seat, ma'am. Thank you, ma'am. And now I would like to invite our today's chief guest, Mr. Ankur Agarwal sir, to please come and certify our participants. और अब मैं बुला रही हूँ सीट नंबर 5 पर हमारे बीच मौजूद है लविश। लविश प्लीज आए और अपना सर्टिफिकेट प्राप्त करें। लविश के लिए जोरदार तालियां। लविश ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। अब मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपनी सीट ग्रहण करें। थैंक यू सो मच सर। और अब मैं बुला रही हूँ डॉक्टर प्रियंका अग्रवाल जी को कि वो आए और हमारे बच्चों को सम्मानित करें। डॉक्टर प्रियंका अग्रवाल जी, प्रेसिडेंट ऑफ इनर व्हील क्लब धामपुर। अब मैं बुला रही हूँ सीट नंबर 4 पर हमारे बीच मौजूद है बहुत ही खूबसूरत सी आफरीन। आफरीन प्लीज आए और अपना सर्टिफिकेट प्राप्त करें। इस प्यारी सी बच्ची के लिए प्यारी सी तालियां। और मैं मैम से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपनी सीट ग्रहण करें। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच।
और अब मैं बुलाना चाहूंगी हमारे आज के एपिसोड की चीफ गेस्ट श्रीमती शुचि शर्मा जी को कि वो प्लीज आए और हमारे प्रोग्राम जीनियस कौन, जैसे कि सभी को पता है कि ये जिले का पहला टीवी क्विज शो है जो स्कूली बच्चों के लिए शुरू किया गया था, तो मैम प्लीज आए और हमारे प्रोग्राम के बारे में और हमारे पार्टिसिपेंट्स के लिए उनको मोटिवेट करने के लिए दो शब्द कहें। मैम, दिस इज शुचि शर्मा जी। अभी तक चैनल के सभी डायरेक्टर, कार्यकर्ता और सभी सदस्यों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने हमारे इस शहर में ऐसा एक कार्यक्रम आयोजित करके अपने शहर का, अपने जिले का और आगे जाकर जो प्रतिभाएं उन्होंने यहाँ पर सेलेक्ट की हैं जीनियस कॉन में, वो बहुत आगे तक जाने वाली हैं और अपने देश का नाम रोशन करने वाली हैं, ऐसा मुझे आभास हो रहा है। फिर मैं बधाई देना चाहती हूँ उन सभी बच्चों को जो यहाँ पर एक अच्छी परिपक्व तैयारी के साथ आए हैं और उन्हें इस मंच पर अपनी बुद्धिमत्ता का, अपने सामान्य ज्ञान का और अपने करेंट नॉलेज का एक प्रदर्शन करने का ऐसा सुंदर अवसर मिला है। वो सभी बच्चे वास्तव में बधाई के पात्र हैं। ऐसा नहीं है कि प्रतिभाएं नहीं हैं। एक पुरानी कहावत है कि गुदड़ियों में लाल छिपे हुए होते हैं। हमारे इस शहर में भी बहुत सारी प्रतिभाएं हैं, खेल, कला, साहित्य, विज्ञान, अभिनय, और अभी तक बहुत ही बधाई का पात्र है क्योंकि उसने इन सभी प्रतिभाओं को निखारने, संवारने और आगे प्रगति के पथ पर पहुंचाने में जो अथक प्रयास किए हैं वो वास्तव में बहुत सराहनीय है। इसलिए मैं फिर एक बार अभी तक चैनल के सभी एक यूनिट को बधाई देना चाहती हूँ। बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं और साथ ही बच्चों के प्रोत्साहन के लिए मैं दिल से उनको शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और इसके लिए मुझे दो पंक्तियां याद आ रही हैं। बसी हुई सीलन जो घर में, घुटन धरा पर और अंबर में, कोहरा छाया जहां डगर में, सब छट जाएगा पल भर में, ज्योति पुंज दिनकर दिखला दे, आओ ऐसे दीप जला दे। ये नन्हे नन्हे दिए ज्ञान के, रोशनी के, ये कल बड़ा ज्योतिपुंज दिनकर बनने वाले हैं और सारा अंधेरा मिटा देने वाले हैं। और इसी बधाई और शुभकामना के साथ मैं इन बच्चों का अभिनंदन करती हूँ। साथ ही एक बार फिर अभी तक चैनल का धन्यवाद अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने कि हमें इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के लिए बुलाया और ये सम्मान लेने का सौभाग्य हमें प्रदान कराया। थैंक यू, थैंक यू। Thank you so much, ma'am. And now I would like to invite the managing director of Abhi Tak Channel, Mr. Sharad Rajvanshi, to please come and present a memento to our chief guest. Now I would like to invite our today's chief guest, Mr. Ankur Agarwal and Dr. Priyanka Agarwal, to please come and to receive a memento from our MD sir. Please, ma'am and sir. Zordar taaliyon ke saath swagat kiya jaye, ma'am aur sir ka. जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट अवर एमडी सर टू प्लीज टेक योर सीट। थैंक यू सो मच सर। और अब मैं मैम से रिक्वेस्ट करूंगी कि मैम हमारे प्रोग्राम जीनियस कौन और हमारे पार्टिसिपेंट्स के लिए दो शब्द कहें। प्लीज मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल कि आप लोगों ने इतनी बहुत अच्छी मेहनत से इस प्लेटफॉर्म को पहुंचे। इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप लोग सभी आगे इतनी उन्नति करेंगे और साथ में अपने फ्यूचर को अपडेट करेंगे, अपने देश का नाम रोशन करेंगे। कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू अभी तक टीम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू वेरी मच। और जैसे कि हाईएस्ट स्कोर्स के साथ हमारे दो पार्टिसिपेंट्स क्वालिफाई कर गए हैं हमारे इस राउंड को और वो पहुंच चुके हैं हमारे अगले पड़ाव यानी कि क्वार्टर फाइनल्स में, तो मैं उनको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस कहना चाहूंगी। साथ ही हमारे छह पार्टिसिपेंट्स में से हमारे चार पार्टिसिपेंट रह गए हैं पीछे, आज उन्हें देनी पड़ेगी यहां से विदाई। लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि निराश और परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बिकॉज हम मिल रहे हैं बहुत जल्द अगले सेशन में जीनियस कॉन सीजन 2 के साथ। और आज के हमारे एपिसोड में इतना ही। आपने देखा कि हमारे पार्टिसिपेंट्स ने कैसे जोरदार परफॉर्म किया। आज हम आपसे ले रहे हैं यहीं पर विदा। मिलते हैं आपसे अपने अगले एपिसोड में। तब तक आप कहीं जाइएगा मत, बने रहिए अभी तक के साथ, देखते रहिए जीनियस कॉन।